राजा पृथु का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का दोहन किस प्रकार किया था? लोमहर्षण जी बोले, विजवरों, मैं वैन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं रहता, जो व्रतों का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह कथा नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है, वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। सो सुनो, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वैन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने नहीं किया और अमुक कर्म किया है, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपनी नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया था। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाला अयोग्य वैन से मारेची आदि सब महर्षियों ने कहा, वैन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म ना करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यूं कहता देख खोटी बुद्धि वाले वैन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को अभी भस्म कर दूं, या जल में बहा दूं, या भूलोक तथा घूलोक को भी रुंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गण वैन को मोह और अहंकार से किसी तरह न हटा सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वैन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वैन की बाई जंगा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वैन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणी की भांति वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षात कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणीगण बड़े प्रसन्न हुए और सब औरों से वहां एकत्रित होने लगे। वैन स्वर्गामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र उत्पन्न होकर वैन को पुमा नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने तो प्रजा को बड़ा दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते, तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे।
और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन मात्र करने से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गोएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह नामक ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसने सोमाभिषव के दिन सूती से परम बुद्धिमान सूत उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्ष्मण और यश हमें कुछ भी तो ज्ञात नहीं है जिससे हम इन तेजस्वी नरेश की स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध देश का राज मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए पृथु को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्दश प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं, मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें भोपाल। यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय करने से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ ना हो सकोगे। महामते, तुम क्रोध को त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्य ग्योनी में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग तो करना ही नहीं चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराए किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत से लोग सुखी हो जाएं, उसके मारने से पातक या उपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण कर लूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्दत है रोक सकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई अच्छा सा बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भोपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए
इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वैन कुमार प्रथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा प्रथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाले ये सब पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने, बृहस्पति ने दुहने का काम किया, तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दोहने का काम किया। पितरों को चांदी का पात्र मिला। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दुहा। उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र रखा, एरावत नाग से दोहने का काम लिया और विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दुहने वाले बने, उसने मायामय दूध को दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया। यक्षों का कच्चा पात्र था, कुबेर बछड़ा बने। रजतनाथ यक्ष दुहने वाला था और अंतर्धान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षस इंद्रों में सुमाली नामक राक्षस बछड़ा बना। रजतनाभ दूध दुहने वाला था, उसने कुपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्रथ ने बछड़े का काम पूरा किया, कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दोहने वाला था और पवित्र सुगंध ही उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को अपना बछड़ा बनाया और स्वयं दोहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों में प्लक्ष पाकड़ बछड़ा था, खिले हुए शाल के वृक्ष ने दोहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मैदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक प्रथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के भी मैद से व्याप्त होने के कारण यह मैदिनी कहलाती है। फिर राजा प्रथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। प्रथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया है, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशाली बन गई है। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी है। वैन कुमार महाराज प्रथु को ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं है कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी आज महाराज प्रथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनी हैं। राज्य के इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज प्रथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उनके आगे मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा प्रथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है, वह भयंकर संग्राम में भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज प्रथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा प्रथु सबके वृत्ति दाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा प्रथु ही वंदनीय हैं। इस प्रकार जहां पृथ्वी को दोहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े, दोहने वाले, दूध
तथा पात्र कल्पित किए गए थे, मैंने उन सब का वर्णन किया।